बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन। आज हम लेकर आए हैं आलू के समोसों की एक बड़ी अच्छी सी रेसिपी। तीन आलू लिए हमने, उसके लिए बॉईल कर लिया और छील के इसमें मसाला मिलाएंगे। तो पहले हम छील लेते हैं। अब हम इसको पीसेस में करें, मोटा मोटा। ये तकरीबन आधा किलो आलू है। मसाले डालेंगे, आधा टीस्पून जीरा डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा टीस्पून नमक डालेंगे, एक टीस्पून कुटी मिर्ची डालेंगे, ये बहुत तेज़ नहीं है, और एक टीस्पून मेथी डालेंगे, सूखी मेथी। इसको हमने हाथ से मसल लिया अच्छी तरह से, और इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद समोसे बनाएंगे। इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे, बस ये इतनी सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की। मिक्स हो गए अच्छी तरह से। अब हम इसके लिए आटा गूंदेंगे समोसों के लिए। 2 कप मैदा लिया है हमने, और इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और घी डालेंगे 1, छः टेबल स्पून हमने घी डाला है। घी का ख्याल रखिए कि घी बिल्कुल ऑयल की तरह ना हो, थोड़ा सा लिक्विडी हो, जमा हुआ भी ना। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये देखिए। अब इसमें पानी डालेंगे, इसको काउंटर पे डालकर थोड़ा सा गूंदेंगे इस तरह से। इसको तोड़ना है और फिर जोड़ना है इस तरह से। दस बारह दफे करना है। ये हलवाइयों का तरीका है, प्रोफेशनल, जो हम आपको बता रहे हैं। अब इसको रख देंगे रेस्ट के लिए 10-15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए। अब हम इसको यहाँ रखकर काटेंगे। ये देखिए 2-3 टेबल स्पून बचा है पानी। अब इसके पेड़े बनाएंगे। सब इस तरह से बना लेंगे। सब पेड़े बना लिए। इसको रेस्ट देंगे 10-15 मिनट। मैदा को अगर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट रेस्ट करके बनाएंगी ना कोई भी रेसिपी हो, तो बहुत परफेक्ट बनती है और बहुत आसान हो जाता है बेल लिया। उसको बेलने में जब हम बेलते हैं तो वो बहुत आसानी से मिल जाती है। ये देखिए 15 मिनट हो गए, अब हम बेलेंगे इसको। देखिए इसी तरह से
सारे बेल लेंगे। अब ये देखिए इसको पलटेंगे ताकि जो पहले बनाए हैं उसको पहले बनाएंगे। इसको काट लेंगे बराबर से। ठीक है, अब पेड़े बनाते हैं, इसके समोसे बनाएंगे। अब ये आलू का जो मसाला बनाया था हमने वो है देखें, पानी लगाएंगे इसमें। और इसको इस तरह से बनाएंगे। बहुत थोड़े से आलू डालते हैं वो लोग और छोटे छोटे समोसे बनाते हैं। ये देखिए एक और दिखाते हैं बना के। इसमें मिर्चे बहुत नहीं होती, बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। और ये यहाँ कनाडा में बहुत ही फेमस है स्वीट समोसा, स्वीट एंड समोसा की शॉप का नाम है। वहाँ पर ये समोसे बिकते हैं और बहुत ज़्यादा बिकते हैं। सारा दिन समझ लें कि समोसे ही बिकते रहते हैं, मिठाई से भी ज़्यादा। सारे इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए उनके समोसे जो होते हैं ना वो इधर से थोड़े से ऐसे होते हैं खिंचे हुए, इधर से बिल्कुल इस तरह से। देख हम उन्हीं की रेसिपी बना रहे हैं तो जाहिर है शेप भी उन्हीं जैसा ही बनाएंगे। तो चलें फ्राई करते हैं। बहुत गर्म नहीं है तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल को थोड़ा सा पहले गर्म किया था हमने और उसके बाद मीडियम टू लो पे डाला है समोसों को। इनको खूबसूरत सा कलर देने के लिए मीडियम टू लो पे बनाइए। ये देखिए तो खूबसूरत कलर। ये देखिए थोड़ा सा हल्का कलर हो ना तभी निकाल लीजिए, क्योंकि ये बाहर निकलने के बाद भी थोड़ा कलर डार्क हो जाता है इनका। अल्हम्दुलिल्लाह समोसे रेडी हो गए। बहुत मजे की रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रमज़ान में। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरन मिले। चलें बनाएं, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। वाओ यम्मी।